हम इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में मौजूद हैं, जो कि अकबर रोड में है, दिल्ली में। इस राष्ट्रीय कार्यालय में अब काफ़ी कुछ बदलने लगा है। जहां पर कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी का दर्जा दे करके एक पूरा कैंपेन चलाया गया बीजेपी के द्वारा, अब उस बात को लेकर के राहुल गांधी अपफ्रंट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। जहां बीजेपी का हिंदुत्व राम मंदिर या भगवान राम के इर्द गिर्द घूमता है, तो राहुल गांधी भगवान शिव के साथ बीजेपी के उस हिंदुत्व के एजेंडे को चैलेंज करते हुए पार्लियामेंट में नजर आए। पार्लियामेंट में वो जब अपनी पहली भाषण के लिए आए एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, तो भगवान शिव की तस्वीर अपने साथ लेकर के आए। भगवान शिव क्यों? भगवान शिव क्योंकि उन्हें देवों का देव कहा जाता है, महादेव कहा जाता है। बाकी सब देव हैं, भगवान शिव महादेव हैं। तो हिंदुओं में भी भगवान शिव का दर्जा बहुत ऊपर है, तो वो एक काउंटर। दूसरी बात, अब देखेंगे भगवान शिव के साथ उन्होंने अपने लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर अपने बयान की शुरुआत की, भाषण की शुरुआत की पार्लियामेंट में, और वो जब मंगलवार को पहली बार चुनाव जीतने के बाद वो गए थे एक बार धन्यवाद करने के लिए, लेकिन खुद पहली बार अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए, रायबरेली में गए, तो उन्होंने अपने शुरुआत हनुमान जी के मंदिर में जाकर के की। हनुमान मंदिर में जाकर के उन्होंने अपने उस दौरे की शुरुआत की, और बाकायदा हनुमान मंदिर जाने के वीडियोस और हनुमान मंदिर में उनकी पूजा करने की सारी तस्वीरें बाकायदा राहुल गांधी की टीम द्वारा जारी की गई मीडिया को। तो जैसे मंदिरों में जा कर के पूजा करने का प्रचार देखा बीजेपी में आपने, कि आज मंदिर जाके राम मंदिर जी के दर्शन किए, राम भगवान जीवन का हिस्सा हैं हमारे, जय श्री राम, वैसे अब राहुल गांधी भी कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी भी क्या कर रहे हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं भगवान शिव को मानने वाला हूँ, भगवान से जो है ये अभय मुद्रा है, वो अहिंसा की बात करते हैं। जो असली हिंदुत्व है वो अहिंसा के इर्द गिर्द घूमता है। बीजेपी का हिंदुत्व है वो उसमें हिंसा की बात करती है, की जाती है, लिंचिंग्स की बात की, या जो जय श्री राम भी बोला जाता है वो वॉर क्राई की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके तमाम चर्चाएं और उसके तमाम इंटरप्रिटेशंस आप सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया में देख रहे होंगे। तो राहुल गांधी एक नए हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आए हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं बताने की कि हिंदुत्व वो नहीं है जो बीजेपी दिखा रही है, हिंदुत्व उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, और जानबूझ करके बीजेपी हिंदुत्व की गलत परिभाषा है जिसको समाज में समझा करके वो वोट ले लेती है। तो राहुल गांधी ने तय किया है कि जब ये कहा जाता हो पॉपुलरली कि बीजेपी की हिंदुत्व की पिच में उसे जाके नहीं लड़ना चाहिए, राहुल गांधी ने तय किया है कि अगर वो अग्निवीर पर वो सामने से लड़ेंगे, वो बेरोजगारी पर सामने से लड़ेंगे, तो बीजेपी की जो कोर स्ट्रेंथ है, जो सबसे बड़ी ताकत है, वो हिंदुत्व का एजेंडा है, तो उस हिंदुत्व के एजेंडे में बीजेपी के वहाँ पर जाएंगे और उनको उस पिच पर जाके हराने की कोशिश है। बहुत लोग इस बात पे कह रहे हैं कि एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर जाने वाला कदम हो सकता है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी को इस बात पर यकीन है कि अब बीजेपी की को अगर हराना है तो उस विचारधारा को चैलेंज करना होगा। बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे से जो हिंदुत्व का बड़ा एजेंडा है उसको अलग करना होगा, एक अलग तस्वीर है वो लोगों को दिखानी पड़ेगी। जहाँ पर अब ये बात कही जाती है कि वो मंदिर गए, तो अब राहुल गांधी 2018 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। कैलाश मानसरोवर की यात्रा अगर बात करें हिंदू धर्म में सबसे दुर्गम यात्राओं में से एक है भगवान शिव की, वो वहाँ पर जाकर के पैदल गए थे और वहाँ पर उन्होंने वो यात्रा की थी, तो उसकी भी तस्वीरें कांग्रेस ऑफिस की तरफ से यदा कदा सोशल मीडिया पर उनके नेता दिखाने और बताने की कोशिश करते रहे हैं। तो अब एक लंबी लड़ाई हम देखेंगे आगे कि राहुल गांधी कैसे, चाहे भगवान शिव की तस्वीर लेकर के आए हों, आपने देखा होगा जब राहुल गांधी ने अग्निवीर मामले पर बयान भी दिया अपने आवास में कि उस अग्निवीर के परिवार को पंजाब में कुछ नहीं मिला है, उस जब वो बोल रहे तब भी भगवान शिव की वो तस्वीर जो वो पार्लियामेंट में लेके आए थे उनके बगल में रखी हुई थी। तो हम देखेंगे आगे और भी ऐसी चीज़ें हैं जो राहुल गांधी करेंगे बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को चैलेंज करने के लिए। उनको लगता है कि बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को एक्सपोज करना होगा और अलग करना होगा कि ये हिंदुत्व तो नहीं है। जब वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, तो वो बताने की कोशिश करेंगे कि ये
इनका एक अलग एजेंडा है। हिंदुत्व इससे बहुत अलग है, इससे बहुत बड़ा है और वो हिंसा के मार्ग पर चलने के लिए हम लोगों को सीख देता है। और राहुल गांधी के हिंदुत्व के बारे में बयान में जो आदिगुरु शंकराचार्य हैं ज्योतिर्मठ के, उन्होंने भी आकर के उसका समर्थन किया है। जब शंकराचार्य जिन्होंने राम मंदिर उद्घाटन में बड़ा विरोध किया था, जो चार शंकराचार्य उन्होंने दो ने तो खुलकर विरोध किया था कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उस वक्त ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बहुत प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथे लिया था। अब वही कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा है हिंदुत्व के बारे में वो बिल्कुल गलत नहीं है, हिंदू धर्म सिखाता है अहिंसा के मार्ग पर चलना, तो शंकराचार्य से भी उनको समर्थन मिला है। तो कहीं ना कहीं अब अगर ये प्रचार किया जा रहा है कि राहुल गांधी एंटी हिंदू हैं बीजेपी के ज़रिए, तो उसका काउंटर शंकराचार्य के बयान से किया जा रहा है कि अब शंकराचार्य को भी एंटी हिंदू बोलोगे। तो फिलहाल बहुत दिलचस्प होने वाले हैं भारत में राजनीति के आने वाले कुछ साल। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये सब सवाल है, अभी राहुल गांधी जी ने हिंदू समाज को हिंसक बताया है कि नफरत फैलाते हैं, हिंसा करते हैं, इस पर बड़ा विवाद फैला हुआ है, संत समाज नाराज है, बुद्धिजीवी नाराज है, इस बारे में आप चूंकि एक जिस पद पर हैं उसकी बड़ी गरिमा है, आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा जिन्होंने हिंदू समाज को? देखिए, हमको जब कोई कहता है कि कौआ कान ले गया तो हम पहले कान पे हाथ लगाते हैं कि है कि नहीं, अगर नहीं होता है तब हम कौए के पीछे दौड़ते हैं। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो, गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग अपने उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो, तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था, हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं।